हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना प्यार किया था तुम्हें और उसके बदले में तुमने हमें धोखा दिया। हमारा दिल थोड़ा कम था। जो इस मासूम के साथ भी तुम यही करना चाहते हो? ऐसे क्यों कर रही? मैं ये समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? क्यों झूठ बोल रही है? आखिर ये बॉबी और मोहिनी को अपना गार्डियन क्यों मानेगी? अनिता, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा शांत रहो। नीचे हूं मैं। यहाँ बड़ा ही गड़बड़ चल रहा है, पता नहीं क्या। पर ये बच्ची तो बहुत ही संस्कारी थी, मीठा मीठा बोलती थी, अचानक से कैसे कड़वी हो गई? मुझे लगता है इसके ऊपर शैतान का साया चढ़ा है। सर, ए दिल फुटिया, नीचे उतर, नीचे उतर ना, इधर आ, इधर है ना। आ, तेरे को किसने पिछले बोलने के लिए बोला? अपुन बोल रहे हैं ना, ये दोनों अपुन के गधियन है। बोले तो ये चिरकोट, मतलब ये बॉबी। अरे कहाँ घूम गया था? अपुन कब से ढूंढ रहे थे? बोलो कि हम पीहू नहीं, छूना है सोना। अरे क्या बोल रहे अपन? बोलो मत, बोलो तुम, सिर्फ बोलो कि तुम सोना हो। बोलो मत, बोलो तुम, तुम सोना हो। अरे नहीं बाबा, तुम नहीं, हम तुम नहीं बाबा, हम। ये रेत तो खत्म हो गई, कैसे बताएंगे हम सच सबको? हम तो गायब होने वाले हैं। नहीं, अपुन की छुड़वा किधर गई? एक सेकंड रुको। चेहरा वगैरह बंद करो, तब हमारी बात सुनो। हम आपके को एक बात बताना चाहते हैं कि हम पीहू नहीं सोना है सोना। हम पीहू नहीं सोना है। शोना, तुम हमारी ही तो शोना हो, क्या हो गया तुम्हें? शोना ही हो हमारी। सर, सर वो एक्चुअली ये पागल जो है ना, ये अपनी बेटी को शोना बुलाती है प्यार से। हाँ शोना। ओ वो नहीं, हम अब कुछ अलग कहना चाहते हैं। सुनिए मुझे लेकिन, हमने जो भी बोला वो झूठ था। झूठ बोला क्योंकि इन दोनों ने हमें खाना, कपड़ा, खिलौना दिया था। इसलिए हमने झूठ बोला। अंकल, हमें बाबू चाचा के साथ नहीं, हमें विक्रम अंकल के साथ रहना है क्योंकि वो अच्छे हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमारी मम्मा का ध्यान रखते हैं। और ये बॉबी छाबी और ये मोहिनी पोहिनी, ये दोनों तो हमें मारते हैं, रुलाते भी हैं। ठीक, हमें से मत अलग कीजिएगा।
बेटा आर यू श्योर ये आपके फाइनल वर्ड्स है? हाँ अंकल। हमें पिंकी मकर के साथ ही रहना है। थैंक गॉड बच्ची ने सही टाइम पे सच बता दिया। विक्रम को पीयू बॉस का गार्डियन कंसीडर करो। अरे ऐसे कैसे कर लेंगे आप? अरे विक्रम है कौन? अरे पड़ोसी है वो, उसका इस घर के साथ कोई संबंध नहीं है। पूछिए आप। बार्बी, सूरज, नीलम, बोलो इस विक्रम का क्या रिश्ता है इस घर से? आनंदिता के साथ क्या संबंध है, क्या याराना है, बोलो। सही सवाल किया है तुम, और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देने का वक्त आ चुका है। मैं सुबोध बोस का सगा भाई विक्रम बोस। और पीयू मेरी भतीजी। जिन अंकल को तुम सताना चाहती हो ना, उनके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है। और अनन्या को मैं कॉलेज के वक्त से जानता हूँ, साथ में पढ़े हम लोग, मेरे भाई की धर्म पत्नी है वो। चाचू, मामा हमें भी दिखाना। तुम्हें कुछ याद आया क्या? गोपाल, तुमने अब तक हमें क्यों नहीं बताया कि ये हमारे चाचू हैं? क्यों नहीं बताया? बोलो गोपाल, चुप मत रहो। विक्रम चाचू, विक्रम चाचू, विक्रम चाचू, पापा ना आपके बारे में बहुत बात करते थे, आपने हमें बताया क्यों नहीं? मामा देखिए विक्रम चाचू है, आप उनको पहचान नहीं पाई? मैं सुन क्यों नहीं पा रहा गोपाल? मैं सुन क्यों नहीं पा रहा गोपाल? मैं सुन क्यों नहीं पा रहा? Thank you.
समय समाप्ति। माने? माने तुम्हारी हर इच्छा, हर कर्तव्य, इस जीवन का, तुम्हारी कहानी का हर भाग। अब यह समाप्त होता है, फिर अब तुम फिर से किसी को दिखाई नहीं दोगी। तुम्हारे पूर्ण जन्म की ओर हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। चलो पियो। नहीं गोपाल, नहीं, तुम्हारे पैर पड़ रहे। नहीं गोपाल, इधर कहीं नहीं जाना। अबे हमारी मम्मा के पास रह रहे, उससे दूर नहीं जा रहे हमें गोपाल। हम तुम्हारे पैर पड़ रहे, हाथ जोड़ रहे, उन्हें हमारी जरूरत है गोपाल, प्लीज, उन्हें हमारी जरूरत है। उनकी तबीयत खराब है, हम ऐसे ऐसे हमारी हमसे कल को उनके पास कैसे छोड़ के जा सकते हैं। गोपाल, एक बेटी अपनी माँ को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है, प्लीज। अब तुम्हारे यहाँ रहने की कोई वजह बाकी नहीं रहेगी। खेलने शायद इसीलिए हमारी हमशक्ल को तुम्हारी माँ के पास भेजी। खेल को मत बिगाड़ो फिर। एक अनाथ बच्ची को एक माँ और एक माँ को उसकी खोई हुई बेटी मिल रही। ख्याल रखने के लिए तो नियति ने भी भेजा। हर इंसान का धरती पर वक्त तय होता है। तुम्हारा भी कुछ ज्यादा दिनों के लिए धरती से नाता जुड़ना, ये भी नियति का खेल। जो वक्त अब खत्म हो चुका है, ना कारना गलत होगा भी। अब तुम्हें सारे मुंह के धागे तोड़ने होंगे भी। इस माया के बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। गोपाल की पूजा करते। गोपाल का बर्थडे तो हर रोज होना चाहिए। तुम्हारे पास एक भी वजह नहीं बची रहने की। है गोपाल, है वजह बाकी है। हम इस मोहिनी पोहिनी को और इस बॉबी शाबी को और इस सोना पोरा को मजा चकाना है। इस वीडियो को मजा चकाना है। गोपाल, इतने हमारे साथ बुरा किया, हमें भी इतने के साथ बुरा करता है। लोग बुरे नहीं होते, हालात उन्हें बुरे बना देते। अगर बैर ही करना है तो बुरी आदतों से करो, लोगों से नहीं। अच्छा अच्छा समझ गए। गोपाल, तुम्हें तो बोला था ना, अगर कोई आदमी दिल से कुछ अच्छा करना चाहता है तुम उसकी हेल्प करते हो। तो गोपाल प्लीज हमारी हेल्प करो ना, प्लीज। हम पूरे लोगों के अंदर से बुराई खत्म करना चाहते हैं, प्लीज गोपाल। हम हाथ जोड़ रहे, प्लीज हाथ जोड़ रहे गोपाल। ये सब अपनी माँ के साथ रहने के लिए कर रही हो ना। प्लीज, हम अपनी मम्मा से कभी भी अलग नहीं हो सकते। अगर कोई भी देख भी नहीं पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मम्मा के साथ रहने दो, मैं तुझे जन्म नहीं लेना।
तुमसे जीत पाना नामुमकिन है पियू। अब हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने प्रण लिया है कि तुम तीन इंसानों के अंदर की बुराई खत्म करो। माने? अच्छा, जो जल्दी पिक्चर में था वो वाला? यारी ईमान मेरा वाला? पियू, नादान नटखट, तुमसे जीत पाना मुश्किल है, पर सिर्फ सच्चाई को जिताने और बुराई को हराने, बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए हम तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। इसे हमारी खास शक्ति समझो, इसका इस्तेमाल करके बुरे लोगों को अच्छा बनाने का जिम्मा हम तुम्हें सौंप रहे हैं। भूलना मत। चिरकुट लोग को अपन को भगाना होगा, तो बाद में दोनों मिलकर अपन को बहुत कूटेंगे। पीहू, ये तुम क्या बकबक कर रही हो? कुछ तो नहीं भाभी दीदी। ये खड़े खड़े घूर क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम लोग इतने गिर चुके हो कि सर, गलती होगी सर, माफ कर दो। इतनी आधी रात को कहाँ जाएंगे अब? प्लीज सोचे भाभी, कुछ बोलो ना, प्लीज प्लीज भाभी। पर भूलना मत पीहू, बुरे इंसान से नहीं कि बुराई से नफरत करना। जब तक मोहिनी और बॉबी की बुराई खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो घर के बाहर नहीं जा सकती। हाँ हाँ, कुछ कर रहे हैं, रुको। विक्रम चाचू, आप ना इन दोनों के घर से बाहर मत निकालिए। दोस्त अर्जुन को बोला था ना, गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, गुस्से में ना आदमी की तेपना खत्म हो जाती है। तेपना नहीं पियू, चेतना। चेतना माने? अच्छा छोड़ो, जो भी माने हो, शॉर्ट हमें गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। गोपाल, गर्मी बहुत है, अब ना इन दोनों के सिर पे ठंडे ठंडे बाल फटते हैं, तो दोनों का गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर वो दोनों उन बॉबी और मोहिनी को घर से नहीं निकालेंगे। अरे गई नहीं है अभी तक? रुको, अभी रहने दो, बहुत रात हो चुकी है, इन लोगों का फैसला कल करेंगे। अब तो सुना बेटा, तेरे को ये दोनों बहुत कूटेंगे। हाँ सूरज, फिलहाल बॉबी और मोहिनी दी को यही रहने दो, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। भाभी दीदी, हमें आपके साथ रहना है। गोपाल, अब देखना ये तीनों बुरे लोग के अंदर से कैसे बुराई खत्म करते हैं। थैंक यू गोपाल।